आई थिंक रोहित विल अग्री विद मैं क्या कहने वाला हूँ. मेरे पिताजी को सिर्फ ही इज़ कंसर्न विद ओनली सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल एंड दोज आर कॉल्ड द ऑडियंस. बाकी सब ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन, क्योंकि जब हम लोग फिल्म बनाते हैं वो लोग ही पैसा दे के अंदर जाते हैं. तो एंड ही बिलीव्स इन दैट इन हिज सिनेमा इज़ दैट यू कैन नॉट चीट द ऑडियंस. आप जो भी करो, आप मतलब भाई बहन साथ में आ रहे हैं, भाई बाप आ रहे हैं या बाप बेटा आ रहा है, डजेंट मैटर, यू शुड नॉट चीट द ऑडियंस. आई थिंक रोहित हैज़ दैट मच ऑनेस्टी आई फील एज अ फिल्म मेकर, दैट ही इज़ ऑल्सो कीपिंग द ऑडियंस इन माइंड. ही डजेंट केयर when we are on shoot that I'm his brother on the other side or John who's he's so close to on the side. What matters is that hum log ye jo film bana rahe hain, hum log audience ke liye bana rahe hain, ek story hai jo hamare desh ke bahut kareeb hai. I think the story is what made me want to do the film also, and I'm very happy obviously as a brother that this is my brother's next film, and I'm also happier that I can be a part of it in some way. Now ईद है ना दिवाली है क्रिसमस नहीं, आई डोंट थिंक दैट दैट डेट इज फॉर केक. We release मुझसे शादी करोगी on that day. We release kick on that. I think it's a small event for our company on that day. See, honestly, मेरे लिए हर फिल्म इम्पोर्टेंट होती है, चाहे मैं उसके लिए चाहे मैं उस फिल्म में एक दिन का काम भी करूँ, एवरी फिल्म इज़ वेरी क्लोज टू मी. एज फार एज शुद्धि इज़ कंसर्न, आई थिंक करण जौहर जी ने जवाब दे दिया आप सबको. मैं धर्मा के साथ एक दूसरी फिल्म कर रहा हूँ जिसका अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाला है. और कौन कौन क्या हुआ उन लोगों के बीच में? अच्छा हमारी टाइटल डिशुम है, डिशुम डिशुम नहीं. तो वी आर नॉट इन टू, वी डोंट, आई डोंट नो एनी थिंग, आई डोंट गेट इन टू दिस थिंग. आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन हिम. बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करने में. बट इट डिपेंड्स आई थिंक. व्हाट डू यू फील? वी आर नॉट ऑब्वियसली, वी'd लव टू वर्क विद ईच अदर कॉन्स्टेंटली बिकॉज देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कम्फर्ट लेवल. एंड व्हेन यू लव योर एक्टर हू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू वर्क इवन 10 टाइम्स हार्डर, यू नो. एंड दैट्स हाउ आई फील अबाउट वरुण, एंड आई इवन फील एग्जैक्टली द सेम वे अबाउट जॉन, यू नो. इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी. बट not obliged to work with each other, and at the end of the day I would only want Varun to work with me if he likes the material and if he likes the script I go to him with, because set, you'd rather be honest to each other, you know. Then set pe zyada tar aapka real life bhai ya fir more juice ka lapan kar chuke zyada tar mujhe sabse tough kaun tha? I can. He was the toughest. Oh my god, yes. And I can tell you John was nicer to me than Rohit on the film. अभी तो स्टार्ट हो गई है मार्केटिंग, फर्स्ट डे आज ही मार्केटिंग ओपनिंग आपके साथ ही की हम लोगों ने. आई एम राइटिंग नॉट द नेक्स्ट डे. नहीं नहीं, जस्ट अभी नेक्स्ट ईयर आई स्टार्ट राइटिंग. थैंक यू. बिफोर वी गो, आप लोगों ने पूछा था, बिफोर वी गो आप लोगों ने पूछा था हम लोग क्या सीन शूट कर रहे थे. सीन तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर उसका फिल्म का एक डायलॉग बोल सकता हूँ एक्सप्लेनेशन देने के लिए. इसके बाद मुझे बहुत मार पड़ने वाली है, बट इम्प्रॉम्प्टू बोल दूंगा. ये अरबियों का डोंगरी है या शानपट तो सिर्फ शानों पर जचती है, पुलिस वालों पर नहीं. थैंक यू.